हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि वही स्थिति फिर से आने वाली है जो पिछले साल है। पिछले साल के गलतियों से कोई सुधार यहाँ की सरकार ने नहीं किया। ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरीके से, नल नाला की व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। नक्शा नहीं है, सम्प हाउस पंप हाउस क्या कर रहा है। इतने करोड़ों लाखों करोड़ों से मशीनरी खरीदी गई थी कि पानी का निकासी का काम करेगी, कहाँ गया। ये तो दो घंटे की बारिश से ये पटना का जो स्थिति है ये डूब गया। आप समझ सकते हैं कि मंत्री का आवास जो है वो डूब गया है। ये लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार जो है विकास की गंगा बहेगी, अभी पूरा घर उनका आवास डूबा हुआ। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खेल है। पटना डूबा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया है। बिहार में 15 साल में 55 घोटाले हुए और एक और नया घोटाला सामने आ रहा है, एक और नया भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी कार्यपालिका नियमावली का उल्लंघन करवा रहे हैं, कार्यपालिका नियमावली का उल्लंघन करवा रहे हैं और कई मंत्रालयों में ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जांच की मांग वो होना चाहिए। हमारा तो यही है कि भाई जो पैसा दे रहा है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग उस हिसाब से किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग। जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड ना हो करके अब क्या उम्मीद कीजिएगा। ऐसे पैसा ले करके इंजीनियरों का तबादला कर दिया जाएगा तो पटना डूबेगा ही ना, जो पैसा दे करके जो बन रहा है। तो आप इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लोग जो भ्रष्टाचार जो पैसा दे करके बन रहा है उनको फिर पैसा कमाना है तो वो भ्रष्टाचार तो करेंगे। उसके वजह से पटना डूब रहा है, पानी में डूब रहा है।